हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, जी फिजिक्स वाला। आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सेकेंड वीडियो लेक्चर। हमने जो पिछला वीडियो लेक्चर लिया था वो बहुत ही बेसिक्स था। हमने वहां पर बताया था मैग्नेट बेसिकली क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट बताया था, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। फिर हमने टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट की बात की थी वहाँ पर। फिर मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, और जो खास बात थी कल के वीडियो लेक्चर की, फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ मैग्नेटिज्म, उसमें हमने एक कंपैरेटिव स्टडी दिखाई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म। तो वहाँ पर कुछ नहीं था, जिनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, नहीं आता तो वीडियो लेक्चर देखें जाकर के वापस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्ज को पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस करना था बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी था तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम था। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, मतलब सारा कुछ डिटो एज इट इज था। तो जिन लोगों ने वो कर लिया है वापस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का समझ के मैग्नेटिज्म का आपको काम एज इट इज करना है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो स्पेशली होगा मैग्नेटिक मूवमेंट पर, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। फिर हम मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप की बात करेंगे, और लास्ट में मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम बोर मैग्नेटॉन का कॉन्सेप्ट भी देंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, मैग्नेटिक मूवमेंट। चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट, देखिए इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पड़ा था, मैग्नेटिक मूवमेंट से मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ध्यान रखना, नहीं कोई कंफ्यूजन हो जाए कि मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ अलग होता है और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कुछ अलग होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में हमने डायरेक्शन ली थी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो मैंने अभी कल क्या बताया था कि यहां पर साउथ पोल को माइनस एम लेते हैं, नॉर्थ पोल को प्लस एम, कन्वीनियंस ही रहती है। तो यहां मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस एम से प्लस एम, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अब जैसे कि मैंने बात की थी कि मैग्नेटिक मूवमेंट हम बार मैग्नेट का भी पढ़े, तो सबसे पहले हम बार मैग्नेट की बात करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट बोले तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमने कल बताया था, इस तरह से थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये बार मैग्नेट है, पोल स्लाइटली अंदर होते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम लिया जाता है, इसका माइनस एम, बीच में सेपरेशन 2L अगर हम ले लें इस तरह से, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, बिल्कुल सेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, मतलब एम बराबर एम इंटू टू एल।
यहाँ से वेक्टर हटा दो तो यहाँ से भी हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डायरेक्शन किधर होती है? साउथ से नॉर्थ की ओर, ये डायरेक्शन आएगी एम की, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें, कल जैसे मैंने बताया था कि अगर बार मैग्नेट हम कट कर दें इस तरह से अलोंग द लेंथ या परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ में क्या चेंज आता है ये आपको ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट एम था, फिर इसको हमने अलोंग द लेंथ काटा, फिर जो कट पीसेस है उसको हमने परपेंडिकुलर टू द लेंथ काटा, तो अब लास्ट पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट पहले के कंपेयर में कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो बेसिक था। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हटा दूँ। देखिए, अगर दो मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया एम वन, राइट। दूसरा मैग्नेट भी ऐसे ही रखा है, इसका भी साउथ इधर, इसका नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर ही होगा ना, एम टू, साउथ से नॉर्थ, तो एम बराबर हो जाएगा एम वन प्लस एम टू, क्योंकि यहां पर भी वही फार्मूला लगेगा, एम बराबर अंडर रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस टू एम वन एम टू, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है और है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का यही फार्मूला है। अब एम वन एम टू सेम डायरेक्शन में, तो आंसर एम वन प्लस एम टू आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन होते तो जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो एम वन इधर हो गया, दूसरा मैग्नेट का साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, तो एम टू इधर हुआ ना, नॉर्थ साउथ एम वन इधर आ गया, साउथ नॉर्थ एम टू इधर आ गया, तो एम बराबर आएगा एम वन डिफरेंस एम टू, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना। परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, एक मैग्नेट इस तरह से नॉर्थ साउथ, ये एम वन आ गया, दूसरा मैग्नेट इस तरह से रख दिया साउथ नॉर्थ, ये एम टू आ गया। अभी दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तब एम बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का रिजल्टेंट जैसे निकालते थे वैसे ही रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का निकालना है। ये बात आपको यहां से समझ में आ जानी चाहिए, एक बार नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। हो गया, चलिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर वन, कुछ तो सीधे सीधे, जैसे आपको एक मैग्नेट ये दिया गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम वन है या एम मान लो, दूसरा मैग्नेट इस तरह से दिया गया है, जिनको वेक्टर आता है लेवन का हमको कुछ दिक्कत नहीं, इसका भी एम है, एंगल अगर 60 डिग्री का है तो आपको पता है एम नेट इक्वल टू कितना आएगा, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस टू एम वन एम टू कॉस थीटा, थीटा कितना 60 है, तो डायरेक्ट हमने बताया था कॉस 60 वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू, सॉरी हाफ, 60 एंगल है ना, तो हाफ होती है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। या मैंने बताया था जब दोनों मैग्नेटिक मोमेंट सेम हो तो कंपोनेंट ले लिया करो, कॉस के दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे यहाँ पर 30 के साथ, एम नेट क्या आएगा अंडर रूट थ्री एम। कैसे बताया, ये आएगा एम नेट इक्वल टू
एम कॉस 30 प्लस एम कॉस 30, कॉस की कंपोनेंट आएंगे 2m cos 30 √3/2, तो √3 आ गया ना आंसर। ये बहुत ही बेसिक सा है, इलेवन से आपने पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से मैंने कहा था, एक क्वेश्चन और लो बताता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज एम, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज एम। दिस मैग्नेट इज कट इनटू टू पार्ट्स, कट इनटू टू पार्ट्स along its length, along its length, then what will be the new magnetic moment of cut pieces, जो कटा हुआ पार्ट इसका देखो, एक मैग्नेट है ये m, ये एम, ये लेंथ कुछ भी ले लो आप, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम इंटू टू एल। अब जैसे इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े करने के बाद फिर हालत क्या होती है आपको पता है, इस तरह से ये एम बाई टू और एम बाई टू रह जाता है, लेंथ सेम रहेगी क्योंकि अलोंग द लेंथ काटा है। अगर हम इसी को परपेंडिकुलर टू लेंथ काट दें तो एल बी कितना हो जाएगा, एल बाई टू हो जाएगा। तो अब एम डैश बराबर आएगा एम की जगह क्या हो जाएगा, एम बाई टू इंटू टू एल, ये तो नहीं रहा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा आधा, ये एम इंटू टू एल क्या है एम। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेटिक एम, कोई बार मैग्नेट है उसका मैग्नेट में कितना एम है। इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ, बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, अगर इसको हम एक सेमी सर्कल के फॉर्म में मोड़ दें, देन व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेट मूवमेंट, देन What will be the new magnetic moment? करिए ट्राई अपने आप, फिर मेरे साथ भी करना है, कॉपी भी करना है, सब कुछ करना है। तो चलिए देखते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए बार मैग्नेटिक एम, तो भैया बार मैग्नेट बना लो एक। देखिए ये एम, इनके बीच की लेंथ अगर आप 2L ले रहे हैं तो एम इंटू 2L होगा बार मैग्नेट का मैग्नेट मूवमेंट, अगर ये लेंथ L ले रहे हैं तो एम इंटू L ही होना, ध्यान रखना, ये रटना नहीं कि जो भी लेंथ दी जाए या दो भी मैग्नेट का लेंथ दिया जाए उसको हमने अगर L ले लिया तो बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे तो एम इंटू 2L करोगे, नो। मैग्नेटिक मूवमेंट का डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, कोई भी पोल स्ट्रेंथ लो क्योंकि सेम होती है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, अगर ये डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स 10 सेंटीमीटर तो 10 का ही मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 2 मत कर देना, 2L हमने इसको लिया है ना, इसको पूरे 2L का इसलिए हम इंटू 2L कर रहे हैं, तो ये लेंथ जो भी दी गई वो 2L है, ऐसा नहीं इसको बाद में 12 से मल्टीप्लाई और कर दो 2 से। अगर हम ये लेंथ L लेंगे तो M इंटू L लिखना पड़ेगा, मैं अगर ये डिस्टेंस हम D लेंगे तो M इंटू D लिखना पड़ेगा,
2L हम इसलिए लेते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लिया था कि जब हम सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं तो ये L इधर हो जाता है, L इधर हो जाता है। तो 2L का मतलब ये नहीं कि आपको लेंथ दी गई मैग्नेट की 10 सेंटीमीटर तो आप मैग्नेट मोमेंट निकाले तो 10 × 2 का गुणा करेंगे, नहीं, तो वो 10 दी गई वही तो 2L है। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर अक्सर कर गलती हो जाती बच्चों से। तो चलिए ये मान लो हमने 2L ले ली, मैंने कहा आप L लेके भी कर सकते हो, आप कहो तो L लेके कर नहीं लो, L ले लिया। अब मैग्नेट मोमेंट कितना होगा इसका, M × L ले लो। अब हम कह रहे हैं इसको हमने क्या बना दिया, सेमी सर्कल, बनाइए सेमी सर्कल। उसी बार मैग्नेट को हमने बना दिया है सेमी सर्कल, ये M और ये M। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी बीच की, 2R। अब यहां मत कह देना 2R लिखे, R लिखे, ये 2R ही होगी, ये रेडियस R होगी और ये R, ये 2R ही होगी, यहां कोई नहीं चलेगा कि R लिख सकते हैं। अब जब आपने इस L लंबाई की मैग्नेट को सेमी सर्कल बना दिया, इसका मतलब ये जो L है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये L कन्वर्ट हो गया पाई R में। तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन पाई, ध्यान से समझना। जब हमने बार मैग्नेट को सेमी सर्कल बना दिया इसका मतलब उसकी लंबाई जो L थी या 2L कहते हैं, 2L होता है, 2L बराबर पाई R लिखते हैं, तो R बराबर L अपॉन 2 पाई आता है, 2L अपॉन L अपॉन 2 पाई, समझे ना। जो लेंथ लेके चले वही आपको कंसीडर करनी है। अब इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालें M डैश, तो अब हमें लिख रहा है M तो हो गया पूरी स्ट्रेंथ और दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 2R है डिस्टेंस, 2R लिखना पड़ेगा। यहां R मत लिख देना, जैसे आपको आपने तो यहां L लिख दिया, ये L थी इसलिए L लिखा है भाई, ये तो 2R ही है। अब R की वैल्यू यहां से डाल दो L अपॉन पाई, तो M 2R की जगह L अपॉन पाई। अब देखिए मजा आ गया, M इंटू L की जगह क्या रख सकते हो, कैपिटल M, तो 2 अपॉन पाई, ये 2 अपॉन पाई एक्स्ट्रा हो गया, N इंटू L की जगह क्या हो गया, कैपिटल M। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट होगा 2M अपॉन पाई, पहले कितना था M था, जैसे हमने इसको सेमी सर्कल बनाया तो नया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 2M अपॉन पाई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हम पढ़ रहे थे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जिसका फार्मूला होता है M इंटू 2L या M इंटू L अगर लेंथ आपने L ली है, और उसके कुछ हमने बेसिक्स क्वेश्चन किए, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, वेक्टर कॉन्सेप्ट लगाना अगर M1 M2 दिया गया है तो बस। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आप ट्रायंगल के फॉर्म में, तीन मैग्नेट हो सकते हैं तो तीन मैग्नेटिक मोमेंट होंगे M1 M2, अब जो भी पूछा जाए आप उस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का रिजल्टेंट जैसे आप फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं F1 F2 या F3, तो वैसे यहाँ पर M1 M2 और M3, इसमें कुछ नया नहीं। चलिए अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप बी पार्ट। जैसा कि मैंने कहा था आज का वीडियो लेक्चर स्पेशली मैग्नेटिक मूवमेंट पर ही है, अब हम पढ़ेंगे करंट लूप, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप, करंट लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा पहले तो दिमाग में ये आता है यार कि करंट लूप का हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो क्या करंट लूप एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है क्या, भाई मैग्नेटिक मूवमेंट किसका निकालेंगे, मैग्नेट का, तो करंट लूप में कहां से मैग्नेट हो गया, तो पहले तो ये समझाना है उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। चलिए हटा रहा हूं मैं, भाई मैग्नेटिक मूवमेंट किसका निकलता है, जो मैग्नेटिक डायपोल होगा, मैग्नेट एक मैग्नेटिक डायपोल है, दो पोल होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लिया। अब हम करंट लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल है या नहीं है, समझ गए ना। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने टेंथ वगैरह नहीं पढ़ा तो, अगर किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज मूव करे, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये जो लूप है
साउथ पोल की तरह से बिहेव करता है, एस बना दो या और थोड़ा सा अच्छे से बना दो, ध्यान से समझना। ये देखो ये करंट ऊपर जा रहा है, ये एस का टर्म ऊपर है, ये एस का नीचे, मतलब ये अगर क्लॉक वाइज करंट है तो ये साउथ पोल तरफ बिहेव करता है क्लॉक वाइज, और अगर लूप में करंट एंटी क्लॉक वाइज इस तरह से, तो देखो ये नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ एन ये नीचे आ रहा है और इधर से ऊपर जा रहा है, ये एन बन गया एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, मतलब किसी भी लूप में करंट अगर क्लॉक वाइज फ्लो हो रही है तो वो लूप साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा, और अगर करंट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो वो लूप एक नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो जब आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान सुनिए, जैसे मान लो मेरे हाथ में एक लूप है, लूप है इस तरह से, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे करके क्लॉक वाइज, दिख रही ना, तो इधर से देखने पर तो क्लॉक वाइज दिखेगी, लेकिन अगर हम इधर से देखें तो वही करंट एंटी क्लॉक वाइज दिखेगी। भाई समझो, मैं उंगली ऐसे करके घुमा रहा हूँ क्लॉक वाइज, तो मैं तो क्लॉक वाइज घुमा रहा हूँ, उधर से जो देखेगा उसको तो वो एंटी क्लॉक वाइज दिखेगी ना। तो कहने का मतलब अगर किसी लूप में करंट फ्लो हो रही है तो अपर साइड से देखने पे, फेसिंग साइड से देखने पे वो क्लॉक वाइज अगर करंट दिखेगी, तो अपोजिट साइड से देखने पे वही करंट एंटी क्लॉक वाइज दिखेगी। करेंट पास थ्रू द लूप, देन लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल, द रीजन बिहाइंड इज, बोलो रीजन बिहाइंड इज दैट इफ अपर फेस ऑफ लूप शोज क्लॉक वाइज करेंट देन डेफिनेटली जो बैक फेस होगा, देन डेफिनेटली बैक फेस शोज एंटी क्लॉक वाइज करेंट, दैट इज इफ वन फेस किस तरह से एक्ट करेगा क्लॉक वाइज, मतलब साउथ पोल की तरह से एक्ट्स एज ए साउथ पोल, देन अदर फेस एज नॉर्थ पोल। फिर से सुनिए इस बात को, हम कह रहे हैं कि एक लूप में करंट फ्लो इस तरह से क्लॉक वाइज ऐसे करके, मान लो इसमें ऐसे क्लॉक वाइज जारी करें, ठीक है ना, तो इधर से तो क्लॉक वाइज दिखेगी लेकिन उधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज दिखेगी ना। तो किसी भी लूप में करंट फ्लो हो रही हो तो लूप के एक साइड से देखने से वो क्लॉक वाइज दिखेगी, उसी लूप को अगर हम पीछे साइड से देखेंगे वो एंटी क्लॉक वाइज दिखेगी। ये देखो उंगली, हम तो एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहे लेकिन उस वाले को तो क्लॉक वाइज दिखेगी सामने वाले को। तो बिल्कुल वही चीज है कि लूप में अगर करंट फ्लो हो रही है तो लूप का एक फेस जो है ना अगर साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा तो पीछे वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, मतलब करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह से बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल। अब उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा इस पे बात कर लेते हैं, हटाए इसको, चलिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आसान है, पढ़ लीजिए आपका कल्याण हो जाएगा। बोर्ड का एग्जाम इसी साल होगा भाई, ये चीज बता दूं मैं आपको,
नहीं पढ़ोगे अगली साल फिर होगा एग्जाम, अगली साल फिर होगा। बोर्ड हर साल एग्जाम कराता है, कुंभ का मेला नहीं जो 12 साल बाद आएगा, हर साल एग्जाम दो, मत पढ़ो इस साल। चलिए, तो हमने अभी ये बताया था कि एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह से बिहेव करता है। अब उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा इस पे बात करते हैं। तो देखिए, एक चीज को मैं पता है, जो पता है वहीं से बता देता हूं, जो पता है वहीं से बता देता हूं, वैसे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। जैसे ये करंट लूप है, आई करंट जा रही है, इस लूप का एरिया ए है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है ई ना, आई है करंट इन लूप, एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, और ए है एरिया ऑफ लूप। ये तो डायरेक्ट बात कर दी, ये मैंने बात डायरेक्ट कर दी है कि अगर कोई ए एरिया वाला लूप है उसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट एम बराबर ई ना होता है। याद करना आसान है, ई ना, ई ना मीना डी का ई ना, आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स और ए एरिया ऑफ द लूप। अब इसको दूसरी तरह से हम कैसे समझेंगे उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कंपैरिजन करेंगे हम। तो चलिए देखिए, हमें पता है, वी नो दैट, मैंने क्या बताया था, ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया है, इसके पीछे की वजह बता रहा हूं। वी नो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड टाउ बराबर, अब ये मत पूछना ये कहां से आया, मैंने पिछला वीडियो लेक्चर बताया था, वहां बताया था फोर्स लगेंगे दोनों फोर्स पे एम बी एम बी पर पर्टिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एम इंटू 2L कैपिटल एम बनेगा, तो एम बी साइन थीटा के जैसे वहां पर पी साइन थीटा आता था इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में। तो ये टॉर्क का फार्मूला है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट। अब दूसरी बात, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको याद है तो आप स्मरण कीजिए, इससे जो पहला चैप्टर कराया गया था जिसमें हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर से ठीक पहले वाला टॉपिक, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप या सर्कुलर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो टॉर्क का फॉर्मूला आया था, बहुत अच्छा फॉर्मूला था, बीना साइन थीटा, ये टॉर्क है मैग्नेट पर और ये टॉर्क है करंट लूप पे। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां एम की जगह क्या आ रहा है, देखो आप ईना कंपेयर करो, बी से बी कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, एम बराबर क्या है ईना, कंपेयरिंग वन एंड टू एम बराबर ईना, आ गया देखो वही फार्मूला। तो कहने का मतलब ये है, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप इज गिवन बाय ईना, आई क्या है एन क्या है ये बता दिया गया है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों होता है क्योंकि हमने ये भी बता दिया कि करंट लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह से बिहेव करता है, इसलिए इसका डायपोल मूवमेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट, और डायपोल मूवमेंट इसके भी हम क्वेश्चन बता देंगे, इसमें तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, आई दिया जाएगा, एम दिया जाएगा, ए दिया जाएगा, कई बार आई नहीं दिया जाता, इसी का चेंज्ड फॉर्म है, बेसिक फार्मूला यही रहेगा। अगला एक चीज और पढ़ लेता हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा बेसिक तो वही है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी तो करंट लूप की तरह से बिहेव करता है। तो चलिए,
सी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑर्बिटिंग या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। चलिए हमने अभी जो पढ़ा है कि करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, ईना, मैंने कहा था बेसिक फार्मूला यही है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ही करंट लूप होता है, जैसे हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है करंट उसके उल्टे, पॉजिटिव चार्ज जिस तरह से रिवॉल्व हो रहा है करंट उधर ही जा रही है। मतलब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है वी वेलोसिटी से। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है मतलब करंट का डायरेक्शन ये हो गया, करंट लूप ही है ना ये, इसका रेडियस अगर हम आर ले लें तो देखिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ करंट लूप। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप की तरह से बिहेव करता है, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप आप पढ़ चुके हो, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप इज एम बराबर ईना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमें यहां पर कुछ चेंजेस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा तो करंट कितनी होगी, एरिया हमें पता ही है सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए हमें सिर्फ क्या निकालना, आई, खेल सारा आई का ही है, ईना में आई क्या होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। हमें पता है आई बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी मतलब ई अपॉन टी। अब यहां से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, ध्यान रखना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ एक फार्मूला याद करके काम नहीं चला सकते हो कि लास्ट में मैग्नेटिक मोमेंट ई आया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, ये फार्मूला लगा देंगे न्यूमेरिकल हो जाएगा, नेवर, पता नहीं किस स्टेप से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आई बराबर ई अपॉन टी, देखिए ध्यान सुनिए इधर देखो, आई बराबर आपने कहा ई अपॉन टी, अगर आपको टाइम दिया गया है इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, ई भी पता टी भी पता, आई आ गया आई अटक तो आंसर हो गया। कई बार क्या होता है फ्रीक्वेंसी दी जाती है, क्या दी जाती है फ्रीक्वेंसी, तो वन अपॉन टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो आई का फार्मूला हो जाएगा न्यू इंटू ई, ये न्यू क्या है वन अपॉन टी मतलब फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना। तो वन अपॉन टी की जगह फ्रीक्वेंसी, तो आई की जगह न्यू इंटू ई भी आ जाएगा। अब आ जाइए यहां पर जो मैंने दिया है वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी दी आ जाइए आई बराबर ई अपॉन टी, क्या होगा टाइम, टाइम टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस टू पाई आर चलेगा एक चक्कर में, वेलोसिटी क्या है बी, तो टी की जगह क्या आ जाएगा टू पाई आर अपॉन बी भी आ सकता है अगर आपको वेलोसिटी दी गई है। हमने जो सिचुएशन ली उसमें इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रहा है तो वेलोसिटी दी गई है, तो इस फार्मूले में वेलोसिटी डालनी पड़ेगी, तो टी की जगह टू पाई आर अपॉन बी मतलब ऐसे हो जाएगा ई बी अपॉन टू पाई आर। तो मैं ये कह रहा हूँ आई का फार्मूला ये भी है ये भी है ये भी है, आई चेंज होगा तभी तो ये फार्मूला चेंज होगा। अब देखो एम बराबर, यहां आ जाओ एम बराबर आई की जगह ई बी अपॉन टू पाई आर, यहीं से ले रहे हैं एन नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न ए की जगह पाई आर स्क्वायर, क्या मिलेगा एक आर से आर कट जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, एम बराबर फार्मूला जाएगा ई बी आर
अब किसी बच्चे ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया ई वी आर अपॉन टू क्वेश्चन में वेलोसिटी दी नहीं फंस गया, तो कहता मैग्नेटोमोमेंट तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का ही होता नहीं भाई, ये सब फार्मूले हैं, आपको आई देखना कहाँ सेट हो रहा है। अब कई बार ओमेगा दिया जाता है इस एंगुलर वेलोसिटी से, वी बराबर क्या होता है आर ओमेगा, वी की जगह जब आर ओमेगा रखेंगे तो एम बराबर क्या हो जाएगा ई आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2 ही जाएगा, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब बहुत सारे फार्मूले हैं इसके, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हटाएं, मैग्नेटिक मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन हम बात करने जा रहे हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। ये बोहर सेकेंड पोस्टुलेट है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, राइट। यहां से वी आर कितना हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाई। अब वी आर की वैल्यू अगर यहां रखते हैं, एम बराबर होता था ई बी आर अपॉन टू, अगर हम बी आर की जगह ये सेट कर दें तो क्या हो जाएगा ई बाई टू, और बी आर की जगह एन एच अपॉन टू पाई। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब एम बराबर एन ई एच अपॉन फोर पाई, एन को अलग लिख दिया ई एच अपॉन फोर पाई। ये भी मैग्नेटिक मूवमेंट का नया फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन। ये जो टर्म है ना ई एच अपॉन फोर पाई है, इसी कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। ई एच अपॉन फोर पाई एन को क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो दिस इज अनदर फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना। तो चलिए अब एक नोट कर लो, इसके क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, हटा दें भाई। तो ये कंप्लीट था मैग्नेटिक मूवमेंट का टॉपिक, एक क्वेश्चन लेते हैं। इन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रोटेट्स विद फ्रीक्वेंसी 6.8 एन एन, क्वेश्चन लेते हैं। हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रोटेट्स विद फ्रीक्वेंसी 6.8 इंटू 10^15 हर्ट्ज इन अ पाथ ऑफ रेडियस 5.1 इंटू 10^-11 मीटर, इन द पाथ ऑफ रेडियस 5.1 इंटू 10^-11 मीटर, मीटर में दिया गया है एग्जैक्टली। कैलकुलेट इक्विवेलेंट मैग्नेटिक, अब देखिए जिन बच्चों ने मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का ये पढ़ा ई बी आर अपॉन टू, तो फंस गए, वेलोसिटी नहीं दी। तो मैंने क्या कहा था, मेन फार्मूला होता आई एन ए, आई कहां से मिलेगा ये ध्यान रखना है, फिर बता देता हूं। एम बराबर आई एन ए, आई जगह ई अपॉन टी, एन ए वन अपॉन टी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, देखो बाबा
वन अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला बना जाके, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ई फ्रीक्वेंसी इंटू ई, एन तो एक ही है, इंटू एक और एक की जगह पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला बना जा सकते हैं, वैल्यू डाल दीजिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.8 × 10⁻¹⁵, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, पाई 3.14 और रेडियस का स्क्वायर है 5.10⁻¹⁰ का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर लिख देता हूँ नीचे, ठीक है ना, सॉल्व कीजिए। लगभग आएगा 8.9 × 10⁻²⁴ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट में कुछ भी नहीं है, दो तीन फार्मूले हैं। पहला बार मैग्नेट का एम इंटू टू एन, फिर करंट लूप का ईना, और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली करंट लूप ही है, तो वही फार्मूला था ईना, उसका हमने फॉर्म चेंज कर लिया था। और उसको चेंज करके कहाँ तक ले गए थे, इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन तक। तो चलिए, ये दूसरा वीडियो लेक्चर था मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। मैंने कहा था नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, अभी एक ही वीडियो लेक्चर आ चुका है, ये दूसरा वीडियो लेक्चर आएगा। तो सीक्वेंस में आप वीडियो लेक्चर देखते रहें, नोट्स बनाते रहें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।